आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं विधानसभा चुनाव अब लगातार करीब आते जा रहे हैं और प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे में बात करें तो स्टार प्रचारकों के दौरे भी तेज हो चले हैं। वहीं आज नारायणगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के समर्थन में वोटों की अपील करने गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल आ रहे हैं और वे उनके समर्थन में वोटों की अपील करेंगे, जो कि मल्हारगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी है भाजपा के जगदीश देवड़ा, इनके समर्थन में वे आमसभा करने वाले हैं। वहीं मौके पर हमारी टीम मौजूद है, उनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां से माहौल की अपडेट है और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट जानकारी वहां से है। जी रानी जी, बताएं आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? महक में मल्हारगढ़ विधानसभा के नारायणगढ़ में मौजूद हूँ। नारायणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जगदीश देवड़ा, उनके समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल यहां पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे महक, और करीब ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है यहां पर पहुंच जाएंगे और भूपेंद्र पटेल जो यहां पर आकर आम सभा को संबोधित करेंगे महक। क्या तैयारियां वहां पर कार्यक्रम को लेकर है? तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है। अगर यहां पर देखें तो सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है। उनके जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। चेयर्स वगैरह लग चुकी है, मंच पूरी तरह सज चुका है महक, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को नारायणगढ़ बुलाने का, इस जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में बुलाने का एक खास वजह भी है महक। वो वजह क्या है जिस तरह से? वो वजह ये है महक के, चूंकि ये नारायणगढ़ जो है ये पाटीदार बहुल, पाटीदार समाज के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है, पाटीदार बहुल इलाका है पूरा, और यहाँ पर चूंकि अगर हम लोग जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी भी पाटीदार को टिकट नहीं दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये इस बात के लिए, इस बात को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस पूरे क्षेत्र में बुलाया गया है और वो जगह जगह पे आम सभा को संबोधित करेंगे। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो पाटीदार समाज को वोट साधने के हिसाब से अपनी कवायद करेंगे महक। किस तरह से नेताओं का आना वहाँ शुरू हो चुका है, कौन कौन वरिष्ठ नेता अब तक आ चुके हैं और आने में है? यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय पदाधिकारी है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों का आना शुरू हो चुका है, चूँकि वो हेलीपैड पर आएंगे। यहाँ पर हेलीपैड जो है नारायणगढ़ के खेल ग्राउंड जो है मनासा रोड पर, वहाँ बनाया गया है। और आप जैसा कि पूछ रही हैं कि यहाँ पे लगातार जो, अगर हमारे संसदीय क्षेत्र की बात करें नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं। अभी पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए, और अब इसी कड़ी में भूपेंद्र पटेल आए। और जहाँ तक 9 तारीख को जो है भाजपा के सबसे बड़े चेहरे जो कि नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जो है वो नीमच आ रहे हैं, सभी को विदित है महक। जी तो जिस तरह से आपने जाना कि लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे अब मध्य प्रदेश में भी जारी है और मल्हारगढ़ विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी है जगदीश देवड़ा, उनके समर्थन में आज आमसभा को संबोधित करने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल आ रहे हैं, जो कि नारायणगढ़ में आमसभा करेंगे और वहाँ की तैयारियों और वहाँ के कार्यक्रम को लेकर और साथ ही सीएम के कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपने जानी। ये था अब तक का अपडेट। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।